Hi guys, welcome back to my channel. This is Dr. Prabhjot Singh, and as per your request on my Instagram about the second blog, the topic of the second blog, so I gave you two choices to choose. One was the AIIMS tour, AIIMS Jodhpur campus tour, and the second one was about my journey from YSMU till AIIMS. So in this blog I'm going to talk about the second one, that is about my journey from YSMU till AIIMS. 4th of June 2012 को I took an admission at Yerevan State Medical University, Armenia. 2nd of September को flight थी Aeroflot, तो flight got delayed, Armenia 12 घंटे 13 घंटे लग गए पहुँचते. Next morning 3rd of September को we reached the university, met the dean ma'am, did the formalities, एक दो classes भी लगाई उस दिन, and then started my basically my journey. It was started from this very picture that you are seeing on your screens right. So this picture is basically about lectures ka balance ka hisab kitab rakhna, and thanks to my group for choosing me as a group leader. Uske baad fir third year mein thode bahut students council ki responsibility aane lagi, jaise aap dekh rahe ho apne screen pe. So this was my first notice jisme matlab mera name and number print hua tha. I still have this memory alive. उसके बाद केम फोर्थ ईयर में वैसे टुवर्ड्स द एंड इंटरनेशनल योगा डे था, तब बेसिकली देन आई गॉट फुल फ्लेज्ड स्टूडेंट काउंसिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम दिस पॉइंट. 25th of December 2016 को फॉर्मली इंडियन स्टूडेंट्स काउंसिल वॉज फॉर्म्ड, जिसका पेज आज भी यू गाइस फॉलो, ysmu.isp FB पेज. सो आई कैन प्राउडली से दैट कि दैट वॉज वन ऑफ अ बिगेस्ट अचीवमेंट नॉट ओनली फॉर मी बट इन जनरल फॉर द इंडियन कम्युनिटी ऑफ यरवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिकॉज मैं जो भी था आई वॉज बिकॉज ऑफ देम. मल्टीपल इवेंट्स फॉर बींग कैरिड आउट सारा साल चलते रहते थे, आधा दिन उन्हीं में निकल जाता था इवेंट्स मैनेज करने में. मतलब क्वेश्चन अराइजेज, मैं स्टडी कैसे मैनेज करता था, राइट? ऑल ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग मैं स्टडी कैसे मैनेज करता था. सो कीप वॉचिंग टिल द एंड फॉर दैट. आई विल जस्ट टेल यू बिफोर कमिंग ऑन टू माई 6th ईयर, आई विल जस्ट टेल यू मैं कैसे मैनेज करता था अपनी स्टडीज़ को. So these are all the very glimpses that were clicked by various people, various photographers, media personals, etc. उसके बाद में 6th ईयर आया. 6th ईयर में पढ़ाई का स्ट्रेस आया, स्टेट एग्जाम आया. जस्ट दैट इंडिया में यू हैव बोर्ड एग्जाम्स, आर्मेनिया में वी हैव स्टेट एग्जाम. माई मेडिकल जर्नी यार ऐसा था कि जब मैं मैनेज करना था होता था, स्टूडेंट्स काउंसिल का काम भी मैनेज करना है, एमरजेंसीज भी आती थी यार. जैसे मैनी ऑफ यू नो मस्ट बी नोइंग अबाउट एन एक्सीडेंट दैट हैपेंड ऑन 1st of October 2017, जिसमें एन इंडियन स्टूडेंट शी वेंट इनटू कोमा. आई वोंट नेम हर बट YSMU पीपल नो अबाउट दैट. मैं रूम पे बैठा, बाहर से आया था, 7:50 का टाइम था, बट जस्ट हैविंग माई डिनर खासिक का फ़ोन आया, तब जो ऐसा ऐसा हो गया, एरबुनी हॉस्पिटल आ जा, हैड टू रश. ऐसी इमरजेंसीज आती थी लाइफ में, बट दैट इज़ लाइफ. लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. एकेडमिक सफ़र करता था बट एकेडमिक को सफ़र नहीं करने देता था. कैसे नहीं करने देता था? वीकेंड्स पर सारी कसर निकाल देनी. माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज माई इंडियन स्टूडेंट्स. स्टिल द टाइम मेरा 6th ईयर का लास्ट 3 महीने नहीं थे, 4 महीने नहीं थे. माई प्रायोरिटी वॉज ऑलवेज द बेटरमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पर थे. तो उनके लिए जो मतलब जो भी स्टूडेंट्स काउंसिल का काम होता था, काउंसिल का काम करने के बाद मतलब दोपहर में आना, 1-2 बजे फ्री हो जाना हॉस्पिटल से, आके लंच करके रेस्ट करना, स्टूडेंट्स काउंसिल का काम करना, रात में पढ़ना. आई यूज टू स्लीप अराउंड 2 AM, दैट वॉज माई यूजुअल रूटीन. 2 AM to 6 AM आई यूज टू स्लीप, एंड दिन में आई यूज टू स्लीप अराउंड 4 PM to 6 PM. दैट वॉज माई डेली रूटीन. तो 7-6 बजे उठ के चाय पानी पी के स्टूडेंट काउंसिल का काम करना, दो घंटे लग जाते थे. तो उसमें कुछ ना कुछ मैसअप्स हो रखे हैं. आई डोंट नो यूज सम टिपिकल वर्ड्स, मैसअप्स हो रखे हैं. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड क्या बोलना चाहता हूँ. तो वो मैसअप्स हो रखे थे, उन मैसअप्स को सॉल्व करना. बच्चे रैगिंग करते थे, इंटोज लेते थे जो कि इनअप्रोप्रिएट होती थी, उनको कंट्रोल करना. खुशी का दिन आया था ना मेरी लाइफ में आर्मेनिया में. एपिडेमोलॉजी का 5th ईयर का साइकिल चल रहा था. मैं सुबह रेडी हो रहा हूँ, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आता है, नंबर वॉज एन अननोन नंबर. मैं फ़ोन उठाता हूँ, आई जस्ट ऑब्वियसली आर्मेनिया में यू डोंट से हेलो और समथिंग, यू से बारह गर्ल्स. आई जस्ट पिक्ड अप द फोन एंड सेड बारह गर्ल्स, एंड फ्रॉम अदर एंड इट वॉज डॉक्टर साहब के नाम. एक खुशी हुई, एक मतलब एक कहते हैं ना यार कि एक मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट थिंग इन वर्ड्स. जब डॉक्टर साकिन सर, जो लोग नहीं जानते साकिन सर को, साकिन सर इज़ वाइस रेक्टर. वाइस रेक्टर मीन्स चांसलर, वाइस रेक्टर मीन्स वाइस चांसलर. जिस दिन वाइस चांसलर का खुद फोन आया था, मतलब उस दिन से ऐसा हो गया था यार कि एक मोटिवेशन मिल गया था यार कि जो स्टूडेंट काउंसिल की हम कर रहे हैं वो हमें और आगे करना चाहिए. बिकॉज इट्स लाइक द कर्मा, इफ यू डू गुड टू अदर्स इट कम बैक टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज यार.
दिस इज माई फिलोसफी ऑफ लाइफ, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी यार, पढ़ाई करो अपना अच्छे से, बट डोंट स्टॉप हेल्पिंग अदर्स. देन गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई यूनिवर्सिटी इन फ्रंट ऑफ डेलीगेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था. एंड जो आप फ्लैग देख रहे हैं मेरे ब्लेजर पे इन फोटोग्राफ्स में, दैट फ्लैग इज़ अ स्मॉल गिफ्ट दैट आई गॉट फ्रॉम भारत का राजदूतावास यरवान, दैट इज़ एम्बेसी ऑफ इंडिया टू आर्मेनिया. देन इट वॉज 8th of October 2017. मतलब ये फोटोग्राफ में इट वॉज आई वॉज फीलिंग जैसे कि कोई ओलंपिक मेडल जीता. होल्डिंग द इंडियन फ्लैग ऑन माई शोल्डर्स वॉज अ बिग बिग थिंग फॉर मी. मतलब एक दिल की एक बकेट लिस्ट में टिक हो गया था उस दिन. तो दिस इज़ बेसिकली वी वेंट टू अ सिटी कॉल्ड गोरेस, वहाँ पर वी रिप्रेजेंटेड इंटरनेशनल कल्चर इन फ्रंट ऑफ आर्मेनियंस. इट वॉज सम स्पेशल ओकेजन. देन कम्स इंडियन कल्चरल नाइट, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग नाइट्स इन आर्मेनिया. इस एक नाइट का बजट एक इंडियन शादी के बराबर होता है. देन 2nd of July 2018 को फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, रिजल्ट केम आउट ऑन द वेरी सेम डे जैसे होता है YSMU में. एंड देन 15 दिनों के बाद अप्रॉक्सीमेटली कन्वोकेशन थी. सो दीज आर द ग्लिम्पसेस ऑफ द कन्वोकेशन दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन्स. इट वॉज एन अमेजिंग राइड फ्रॉम 2012 2018. मेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव पीपल. नेगेटिव लोग तो हर जगह मिलते ही हैं यार, नीड टू इग्नोर दोज नेगेटिव पीपल. एंड आई वॉन्ट टू थैंक माई YSMU एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पुटिंग ट्रस्ट इन मी फॉर गिविंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. उसके बाद फिर टाइम आ गया था टू से बाय बाय टू माई इंडियन फैमिली इन आर्मेनिया. बेसिकली दैट इज़ एम्बेसी ऑफ इंडिया का फैमिली. इन लोगों के बिना मेरी लाइफ मतलब टोटली डिफरेंट होती अगर ये लोग ना होते उस टाइम पर आर्मेनिया पे. दे ट्रीटेड मी एज ए यंगर ब्रदर. राजेश सर, अगर आप यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग सर, आपकी पोइम तू वखरा तेरी हर गल वखरी वखरा हर अंदाज तेरा, मतलब आज तक सर मेरे दिल के अंदर है सर वो पोइम. आज भी इफ आई फील लो उस पोइम को देख के मतलब एनर्जी आ जाती है सर. थैंक्स अ लॉट सर फॉर दैट सच अ हार्ट टचिंग पोइम. तू वखरा तेरी हर गल वखरी वखरा हर अंदाज तेरा. तो फिर केम बैक टू इंडिया 29th of July को. मतलब दैट वॉज एन इमोशनल मोमेंट. पहला इमोशनल मोमेंट वॉज वैन इट वॉज माई लास्ट डे एट इंडियन एम्बेसी. सब लोगों को बाय बाय बोलना, रियली गॉट इमोशनल उस टाइम पे. फिर 29th of July को एयरपोर्ट पे बैठे बैठे आई वॉज हैविंग कॉफ़ी सेगाफ्रेडो से, वन लास्ट कॉफ़ी ऑफ आर्मेनिया. कॉफ़ी एंड सैंडविच आया है सेगाफ्रेडो से. देन उसके बाद आई जस्ट कॉल्ड ईच एंड एवरी वन फ्रॉम लाइक एम्बेसी के जितने ऑफिशियल्स थे सबको एक एक करके कॉल किया. मतलब आई वॉज अबाउट टू क्राई उस टाइम पर. आज भी सोचते हुए उस बात को आंसू आ जाते हैं आँखों में. दैट वॉज समथिंग डिफरेंट. दैट इज़ लाइक नॉट लेस देन अ फैमिली टू मी. वो सब लोग सारे के सारे एम्बेसी वाले, एम्बेसी का स्टाफ. देन केम टू इंडिया 3-4 दिन के बाद आने के DIMS में कोचिंग स्टार्ट करी फॉर FMGE के. मतलब DIMS ऊपर कोई ना कोई था इंस्टीट्यूशन एंड ड्यू टू सम रीजंस इट गॉट क्लोज. इट्स नॉट फंक्शनिंग द वे इट यूज्ड टू. बट नाउ उससे कोई ऊपर था एंड आई डोंट थिंक सो कैन एनीवन बीट इट स्टैंडर्ड्स. मतलब इन माय पीजी फॉर माय पीजी प्रिपरेशन एज वेल आई यूज DIMS के FMGE नोट्स. द फैकल्टी वॉज सुपर्ब. हर एक को फैकल्टी को आई रियली वॉन्ट थैंक. FMGE में 19 सब्जेक्ट में से सिर्फ 12 सब्जेक्ट करके गया था. स्ट्रैटेजी वॉज डॉक्टर धर्मेंद्र सर की. 150 ही तो लाने हैं, आंसर तुम्हारे सामने है चार, एक सही तो बताना है तुम्हें. 150 गलत करके आओगे तब भी पास हो जाओगे. मैं पीपल डोज नो अबाउट धर्मेंद्र सर, दे नो उनकी स्ट्रैटेजी. इज अ गुड साइकेट्रिस्ट. एंड देन आई पास्ड FMGE एंड दैट्स डॉक्टर अखिलेश राज झामट. इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सर से सर्टिफिकेट मिला FMGE पास करने के बाद. He is the person who was among the team of forensic doctors who did autopsy of the famous Nirbhaya rape case. Then it is time to say hello to GMSH-16, Government Multi Speciality Hospital, Sector 16, Chandigarh. यहाँ से I did my internship, 1 year of internship, and made good amount of friends, especially these two, Manju Deepti. Like they are the main क्या कहते हैं, like my main memories of internship are due to them. मतलब इतना इन्जॉय करते थे. वी यूज़ टू वर्क एज वेल एज येट वी यूज़ टू इन्जॉय एट द सेम टाइम. कहीं भी चलना एंड मतलब इट वॉज जस्ट अ फोन कॉल अवे. आर यू गाइज फ्री, लेट्स गो देयर, लेट्स गो एंड हैव दिस थिंग. मतलब इंटर्नशिप का टाइम आई डोंट थिंक इज गोना कम बैक. एंड 16 को कोई हॉस्पिटल रिप्लेस नहीं कर सकता. देन कमिंग ऑन टू द पीजी प्रिपरेशन तो स्टार्ट करी थी मैंने. दैट आई स्टार्टेड ड्यूरिंग इंटर्नशिप.
इंटर्नशिप में पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो उसमें बेसिकली व्हाट आई यूज्ड वाज प्रेपलैडर का, प्रेपलैडर परचेज किया, बट प्रेपलैडर मैंने सिर्फ एमसीक्यूज करे, वीडियोज भी नहीं देखी, आई सॉ द वीडियोज, बहुत ही कम वीडियोज देखी. एंड माय मेन सोर्स ऑफ पीजी प्रिपरेशन वाज एफएमजीई डीआईएएमएस के नोट्स. अगर आप मेरे पीछे देखें द रजिस्टर्स दैट यू कैन सी ना, दोज आर माय एफएमजीई के नोट्स डीआईएएमएस के. द फैकल्टी वाज सुपर्ब कि वो नोट्स की बदौलत आईएनआईसीटी दिया. तो फिर INICT दिया 20 दिसंबर को, 20 जैन को गॉट काउंसलिंग का रिजल्ट एंड गॉट एनाटमी, MD एनाटमी एट AIIMS जोधपुर. फर्स्ट प्रेफरेंस वाज ऑलवेज ऑर्थोपेडिक्स, नहीं मिला बट और नहीं होता था यार, वाज टायर्ड ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल. तो जो मिला MD एनाटमी मिला, आई टुक इट अवे एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट आई टुक इट यहाँ पर. तो बेसिकली द पीपल दोज आर वॉन्डरिंग कैसे किया था INICT को प्रिपरेशन, कुछ नहीं यार, ऑल थैंक्स टू माई PGDIAMS फैकल्टी, उनके नोट्स, देन प्रेपलैडर, प्रेपलैडर के क्वेश्चन बैंक्स, प्रेपलैडर के प्रीवियस ईयर पेपर्स, दैट्स वॉज माई थिंग. ज़्यादा कुछ नहीं, प्रेपलैडर भी अगर आप मेरे देखोगे 50% यूज आज तक, मोर देन 50% यूज ही नहीं हुआ प्रेपलैडर भी. तो दैट्स द थिंग, तो दैट इज ऑल अबाउट माई जर्नी. आई होप यू लाइक डेट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस जब भी मेरे न्यू वीडियोज आएंगे. सो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए गिव मी सम सजेशंस. वन आई हैव अ सजेशन, कैंपस टूर, बट कैंपस टूर बेसिकली गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अभी आई डोंट वांट टू मेक इट इस टाइम पर. आई विल मेक इट वेरी सून जब थोड़ा सा वेदर विल चेंज एंड इवनिंग के टाइम पे जब फाउंटेंस वगैरह चल जाते हैं तब दैट इज़ बेटर टू मेक. तो दिन में तो कुछ ज़्यादा गर्मी गर्मी धूप ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा कैंपस का. सो दैट्स आई एम जस्ट वेटिंग, थोड़ा सा टाइम निकल जाए, थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाए, देन आई विल मेक अ कैंपस टूर. टिल देन कीप हिटिंग अप मी, कीप हिटिंग मी अप विद सम सजेशंस. आई हैव अ फ्यू सजेशंस इफ यू लाइक. एक तो अबाउट क्या कहते हैं, डिटेल्स अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर FMGE इन डेप्थ विद ऑल द क्या कहते हैं स्टडी मटीरियल एंड एवरीथिंग. सेम गोज फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन इन डेप्थ, सब्जेक्ट वाइज कैसे किया था. आई कैन गो फॉर दिस थिंग ऑल्सो. और YSMU से रिलेटेड कुछ भी हो, कुछ भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोसीजर्स के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स के बारे में, तो उस बारे में इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट एडमिशन्स के बारे में YSMU के, आई एम नॉट एन एजेंट और एनी वन, आई बी जस्ट गाइडिंग यू कैसे होता है प्रोसीजर. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन. बाय बाय.